हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप एन एलिमेंट। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट के लिए क्या सही है? बोल रहा है सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, कोई भी आइसोटोप होता है, आइसोटोप पहले आइसोटोप होता क्या है ये समझ जाओ। वो एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम भी है, इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, और ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। हाइड्रोजन के दो और आइसोटोप होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, और ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकता है। तो हमारा जो पहला दिया हुआ है कि एटॉमिक मास जो होगा वो सेम नहीं होगा, एटॉमिक मास तो सेम नहीं हो सकता है, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं हो सकता, फिजिकल प्रॉपर्टी भी गलत हो जाएगा। सेम क्या क्या हो सकता है? सेम एटॉमिक नंबर और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा सेकेंड और फोर्थ सेम होगा, सही होगा, अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।